शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने तीन उबले आलू लिए हैं। बड़े साइज का आलू है तो मैंने तीन आलू लिए हैं और मीडियम साइज के होता है चार आलू ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आलू को हमें ये बड़े ग्रेटर से ग्रेट करना है। पोटैटो को हमने ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें मिक्स करते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑरेगानो, मिक्स हर्ब्स और पिज्जा सीजनिंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप केवल हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर भी इसको बना सकते हैं, जैसा आप टेस्ट देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसमें अभी बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ऑरेगानो, मिक्स हर्ब्स और पिज्जा सीजनिंग भी डाल रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो स्वाद, आप ले सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। अब हम इस पर चीज क्यूब ग्रेट करते हैं। अब हम सबको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। फॉक से मैंने हल्के हाथ से इसको मिक्स कर दिया है और अब हम रोस्टी की तैयारी करते हैं। रोस्टी बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा बटर लेंगे। बटर की जगह आप घी या तेल भी ले सकते हैं। बटर थोड़ा गर्म होने लगे कि हम इसमें डालेंगे प्याज। एक प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। मिनट के लिए हमने बटर को प्याज को बटर में रोस्ट कर लिया है, सौते कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बटर के साथ प्याज की। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं ये हमारे आलू का मिश्रण। गैस को मैं थोड़ा मीडियम कर दिया है और इसको हमें थोड़ा सा कुक करना है और इसमें इस तरह से शेप देना है हमें रोस्टी का। साइड से थोड़ा सा हमने शेप दे दिया इसको रोस्टी का और अब ऊपर से भी हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं और फिर अब हम इसको धीमी आंच पर हमें ढककर कुक करना है इसे। फ्रेंड्स, 3-4 मिनट हो गए होने आ गए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। और इसको हमें इस तरह से शेप देना है बार बार। एक मोटी रोटी पराठा होता है उस तरह से हमें इसको शेप देना है। और साइड में भी हमें थोड़ा थोड़ा बटर इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर और साइड में भी हम बटर डाल देते हैं और धीमी आंच पर ही हमें इसे कुक करना है। फिर से हम इसको धीमी आंच पर कुक करेंगे। 6-7 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है एकदम स्लो फ्लेम पर। 6-7 मिनट और हो गए हैं, धीमी आंच पर मैंने इसको कुक किया है। बीच बीच में मैंने खोलकर इसको इस तरह से पूरा रोस्टी का शेप दे दिया है एकदम गोल शेप और बहुत ही अच्छे आनियन की इसमें खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट पर। हम इसे इस तरह से प्लेट रखेंगे और प्लेट पर हम इसको टर्न कर देंगे जिससे कि हम इसको फिर दूसरी साइड से भी हम इसको कर सकें। वाह, देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया रोस्टी बन रही है हमारी। फ्रेंड्स, ये रोस्टी में ऊपर से बहुत ही अच्छा अनियन बटर में सौते हो गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसको नीचे की साइड से भी हमें थोड़ा रोस्ट करना है और इसलिए हम इसमें डाल देते हैं केयरफुली। आप चाहे तो थोड़ा सा बटर नीचे की साइड भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर से हम ढक देंगे, फिर से इसको कुक करेंगे। 5-6 मिनट और हो गए हैं, धीमी आंच पर भी हमें इसे कुक करना है। और अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू एकदम अरोमा आ रही है जैसे ही मैंने इसका लिड खोला है। और अब मैं इसको पलट के देख लेती हूँ। इस तरह से बीच बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर से पलट लेती हूँ, नीचे की साइड से अच्छी तरह से कुक हो गई है कि नहीं ये हम देख लेते हैं एक बार इसको। बहुत ही बढ़िया, देखिए एकदम बहुत ही अच्छी कुक हो गई है।